जैसे इनका जन्म हुआ दोस्तों, तो इनकी माता जी का जो है 7 दिन के बाद ही देहांत हो गया। इनकी माता, इनके जो पिताजी थे, इनकी मौसी जी से शादी कर ली। तो कुछ विद्वानों ने, कुछ पंडित ने, जैसे होते हैं ना भविष्यवाणी कर देते हैं, तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि ये जो लड़का होगा ये बहुत ही तेजस्वी होगा, ये पूरे संसार में ज्ञान प्रसार करेगा, मोह माया से बिल्कुल दूर रहेगा। 16 वर्ष की कन्या से 16 ही वर्ष में इनकी क्या हो गई, शादी हो गई। तो इसलिए शादी करा दी गई ताकि ये मोह माया में पड़े रहे और बाहर ना जा पाए, लोगों को ज्ञान ना दे पाए, और यहाँ राजपाट करी इस वजह से इनकी जल्दी से शादी करा दी गई। यशोधरा से बोले कि देखो ये सब दुनिया मोह माया है, हमें जो है सन्यासी बनके ही जीना चाहिए, हमें राजपाट ये सब खत्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। 10 वर्ष के बाद 29 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनको एक दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, एक अचानक से ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि कौन सा दिन होता है दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा। चित्र बात ये है दोस्तों कि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म भी होता है, और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही जो है इनको ज्ञान भी प्राप्ति होती है, और बैसाख पूर्णिमा के ही दिन इनकी मृत्यु भी होती है। तो ये बहुत हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों जय माता दी सभी लोगों को। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों बौद्ध साहित्य को पढ़ना। आज हमें, आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों कि हम लोग लूसेंट जीके को पूरे फैक्ट को दोस्तों फ्लो चार्ट से और एक अच्छे ग्राफ की मदद से पढ़ रहे हैं, और हम लोग वैदिक लिटरेचर को ख़त्म भी कर चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में, देन फिर पढ़ेंगे जैन साहित्य के बारे में, और उसके बाद चर्चा करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में। तो आज बौद्ध धर्म से रिलेटेड या बौद्ध साहित्य से रिलेटेड मैं सबका पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। इसका नोट्स जो है आपको 10 सेकेंड में मिल जाएगा। मैं पहले जो है इसके पहले का जो है रिवाइज कर देता हूं दोस्तों कि इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो आपने धर्म ग्रंथ में दोस्तों क्या पढ़ा, धर्म ग्रंथ में 2 पार्ट थे दोस्तों। धर्म ग्रंथ में पहला तो आपका वैदिक लिटरेचर था, और दूसरा आपका बुद्धिज्म लिटरेचर है, उसके बाद जैन लिटरेचर है। तो हमने वैदिक लिटरेचर को कवर कर लिया है दोस्तों। वैदिक लिटरेचर में हमने वेद पढ़ लिया है, वेदांग पढ़ लिया है, पुराण पढ़ लिया है दोस्तों, ब्राह्मण साहित्य जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उसको पढ़ लिया हमने, और कुछ अन्य जो है अन्य कुछ वैदिक लिटरेचर भी हमने क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने देखा दोस्तों कि वेद जो है वो 4 होते हैं, वेदांग आपके 6 होते हैं, और पुराण जो होता है वो 18 होता है, और उसके बारे में पूरा डिटेल अध्ययन किया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे रहा हूँ, और लूसेंट की पूरी सीरीज को देखते हुए आइए, तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बौद्ध साहित्य। तो वैदिक लिटरेचर के बाद जो है दोस्तों वो आता है आपका वैदिक जो है साहित्य के बाद आपका बौद्ध साहित्य आता है लूसेंट की बुक में, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य शुरुआत कैसे हुई, बौद्ध धर्म आया कहां से, बौद्ध धर्म के फाउंडर किसे कहा जाता है, उसके बारे में उनका जीवन परिचय पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध को बौद्धिज्म साहित्य का फाउंडर माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आज अभी हम 5 मिनट में डिस्कस करेंगे कि महात्मा बुद्ध की जीवन शैली कैसी थी, उनका क्या परिचय था, सारी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध का दोस्तों जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, वो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में कपिलवस्तु में पड़ता है। लुम्बिनी नाम का एक जंगल है, नेपाल में पड़ता है। तो लुम्बिनी जंगल में रास्ते में हुआ था, इनकी माता जो है कहीं जा रही थी तो रास्ते में इनका जन्म हो गया था, ठीक है। और कब हुआ था दोस्तों, तो 563 BC में हुआ था, यानी कि 563 साल पहले जो है किसका जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ये ध्यान देना है आपको। तो इनका जब जन्म हुआ था दोस्तों, तो इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। और जैसे ही इनका जन्म हुआ दोस्तों, तो इनकी माता जी का जो है 7 दिन के बाद ही देहांत हो गया। इनकी माता जी नहीं रही, इनके माता जी का नाम दोस्तों वो था महामाया। तो जब इनकी माता जी का देहांत हो गया दोस्तों, तो इनके जो पिताजी थे ये इनकी मौसी जी से शादी कर ली। मौसी जी का नाम दोस्तों क्या था, गौतमी नाम था। क्या नाम था, गौतमी। पहले होता था परंपरा, अभी भी होता है दोस्तों, कि जैसे बाय द वे अगर बच्चे की मम्मी जो है किसी कारणवश डेथ हो जा रहा है उनका, तो क्या होता है कि पिता जो है मौसी से शादी कर लेते हैं, ताकि बच्चे की केयरनेस मौसी लोग अच्छे से करती हैं। इस वजह से उनका भी वही हुआ, गौतमी से शादी हो गया, गौतमी उनकी मौसी थी, और पालन पोषण जो है किसने किया दोस्तों, गौतमी ने किया। अच्छा, जब इनका जन्म होने वाला था दोस्तों, तो कुछ विद्वानों ने, कुछ पंडित ने, जैसे होते हैं ना भविष्यवाणी कर देते हैं, तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी कि ये जो लड़का होगा ये बहुत ही तेजस्वी होगा, ये पूरे संसार में ज्ञान प्रसार करेगा, मोह माया से बिल्कुल दूर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले ही विद्वानों ने बता दिया था। अब इनके जो दोस्तों पिताजी थे वो बहुत ही बड़े राजा थे,
तो इनके दिमाग में थोड़ी सी टेंशन होने लगी कि मेरे पास इतना राजा, मतलब मैं राजपाट करता हूँ, इतना सारा धन है और हमारा एक ही बेटा है, और वो भी जो है अगर सन्यासी बन जाएगा, वो घर पे रहेगा नहीं, तो उनको बहुत दुख होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा एक महल बनवा दिया और उससे जो है बाहर नहीं जाने देते थे उनको। हुआ क्या कि इनकी बहुत ही कम उम्र में शादी करा दी गई। एक यशोधरा नाम की कन्या थी, उनका नाम क्या था, यशोधरा। 16 वर्ष की कन्या से 16 ही वर्ष में इनकी क्या हो गई, शादी हो गई। तो इसलिए शादी करा दी गई दोस्तों, ताकि ये मोह माया में पड़े रहें और बाहर ना जा पाएँ, लोगों को ज्ञान ना दे पाएँ और यहाँ राजपाट करें, इस वजह से इनकी जल्दी से शादी करा दी गई। तो यशोधरा नाम था उनकी पत्नी का। लेकिन दोस्तों इनके दिमाग में हमेशा चलता था कि लोग कैसे रहते होंगे, लोगों का सत्य क्या है। इस सत्य की खोज में दोस्तों एक बार ये महल से बाहर घूमने जा रहे थे अपने रथ पे बैठ करके, तो इन्होंने चार चीज़ें देखी दोस्तों जो कि इनके लाइफ को पूरा बदल देती है। सबसे पहला चीज़, इन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। तो अपने सारथी से पूछते हैं, ये जो बूढ़ा व्यक्ति है ये क्यों इस तरह से चल रहा है, झुक के क्यों चल रहा है। तो सारथी बताता है दोस्तों कि ये बूढ़ा हो गया है और ये बूढ़ा सबको होना है, सबको बूढ़ा होकर के मर जाना है, ठीक है। उसके बाद उनकी नज़र दोस्तों एक बीमार व्यक्ति पे पड़ती है। तो वो सोचते हैं, पूछते हैं अपने सारथी से कि जो है ये बीमार व्यक्ति पीड़ित क्यों है, ये क्यों चिल्ला रहा है, क्यों ये दर्द में है। तो वो बोलते हैं दोस्तों कि ये बूढ़ा व्यक्ति बीमार पड़ गया है अब, और ये जो है भगवान के पास जाने वाला है, मरने वाला है। फिर उनको जो है एक लेटा हुआ अर्थी जाती है, तो अर्थी में देखते हैं वो आदमी लेटा हुआ है। उसके बाद ये सारथी से पूछते हैं कि ये लेटा हुआ क्यों जा रहा है। तो वो बोलता है कि ये जो है क्या हो चुके हैं, डेथ हो चुकी है इनकी और सबको मरना ही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये एक सन्यासी को देखते हैं जो कि एकदम ध्यान मुद्रा में रहता है। तो सारथी से पूछते हैं ये क्या कर रहा है। तो सारथी बोलता है कि जो ये है सन्यासी है, ये भगवान की ध्यान में है। तो इनके दिमाग में क्लिक आता है कि दोस्तों सभी लोग भगवान के पास जा रहे हैं, तो और ये जो बंदा है ये भगवान की ध्यान कर रहा है, सबको एक दिन मरना है, सबको बूढ़ा हो जाना है, ये दुनिया मोह माया है। इनके दिमाग में जो है बार बार वही चीज़ उत्थान होने लगी और इन्होंने ठान लिया कि हमें क्या बनना है दोस्तों, सन्यासी बनना है, ठीक है। तो ये घर पे गए, यशोधरा से बोले कि देखो ये सब दुनिया मोह माया है, हमें जो है सन्यासी बन के ही जीना चाहिए, हमें राजपाट ये सब खत्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो इनके दिमाग में यही चलता था। लेकिन उस समय इनकी यशोधरा जो थी वो गर्भवती होती हैं, तो ये जो है छोड़ के नहीं जा पाते हैं। और जैसे ही उनका बेटा होता है राहुल, जिसका नाम होता है, 29 वर्ष में जो है इनकी, इनको एक बेटा प्राप्त होता है, 29 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति होती है, सॉरी। तो इनका एक बेटा होता है, उसके बाद ये अपना घर द्वार जो है छोड़ करके निकल जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जाते हैं सारनाथ। कहाँ जाते हैं, सारनाथ। अब सारनाथ दोस्तों ये और इनके कुछ दोस्त भी रहते हैं सारनाथ, जाके ये लोग कठोर तपस्या करते हैं, इन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। सारनाथ के बाद इन्होंने देखा कि यहाँ ज्ञान हमको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये चले गए दोस्तों बोध गया। कहाँ चले गए, बोध गया। बोध गया में दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है दोस्तों फालुदा नदी। क्या नाम है, फालुदा नदी। तो फालुदा नदी के पास जाते हैं और वहाँ एक पीपल का वृक्ष रहता है, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के कठोर तपस्या करते हैं। और दोस्तों 12 वर्ष के बाद 29 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनको एक दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, एक अचानक से ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि कौन सा दिन होता है दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बैसाख पूर्णिमा का दिन था, अब वो भी रात का समय था, रात को 12 बजे इनका जो शरीर है वो पूरे प्रकाश से जगमगा उठता है और इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और बहुत ही विचित्र बात ये है दोस्तों कि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म भी होता है और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही जो है इनको ज्ञान भी प्राप्ति होती है और बैसाख पूर्णिमा के ही दिन इनकी मृत्यु भी होती है। तो ये बहुत ही विचित्र बात है और ये कल्पनीय है, मतलब कि एक ही दिन जो है सारी चीज़ें हो जा रही है, जन्म भी हो जा रहा है, मृत्यु भी हो जा रही है और जो है ज्ञान की भी प्राप्ति हो जा रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जन्म भी बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, ज्ञान भी बैसाख पूर्णिमा के दिन प्राप्ति हुई थी और इनकी मृत्यु भी जो है दोस्तों वो बैसाख पूर्णिमा के ही दिन हुई थी। तो जब दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनके दोस्त कुछ थे सारनाथ में बैठे हुए थे, अभी भी वो लीन थे ज्ञान की प्राप्ति में।
तो सबसे पहले दोस्तों ये कहाँ जाते हैं, बोध गया से सबसे पहले कहाँ जाते हैं, सारनाथ। और सबसे पहला उपदेश जो है अपने दोस्तों को देते हैं, सबसे पहला ज्ञान जो है सारनाथ में देते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों, सारनाथ में दिया था। मैंने लिखा भी है दोस्तों कि सबसे पहला उपदेश नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, सबसे पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था दोस्तों, सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया। उसके बाद ये जाते हैं दोस्तों सारस्वती। सारस्वती जो है एक जगह है जहाँ पे एक उंगलीमाल नाम का डाकू रहता था। तो ये जा रहे थे एक बार, तो उंगलीमाल डाकू क्या करता है, इनको घेर लेता है रात को 2 बजे, ठीक है, कहता है कि मैं आपका जो है फिंगर काट लूँगा, और जैसे मैं सबका माला पहनता हूँ वैसे ही आपका भी फिंगर का माला मैं पहनूंगा। तो जो मतलब महात्मा बुद्ध रहते हैं वो बिल्कुल डरते नहीं हैं, कहते काट लो। तो मतलब कहता है कि कैसा ये इंसान है कि हमसे सभी लोग डरते हैं लेकिन ये महात्मा बुद्ध जो है क्यों नहीं डर रहा है। तो वो बोले कि काट लो, डर तो तुम्हें होना चाहिए, तुम हमेशा कभी भी जाओगे कहीं तो रात में जाओगे, दिन में तुम निकल नहीं सकते हो, क्योंकि रात में दिन में अगर निकल गए समाज में चले गए तो लोग तुम्हें मार डालेंगे कि तुम लोगों का उंगली काटते हो, लोग तुम्हें मार डालेंगे, हमें किस बात का डर है, हमें डर नहीं है, डर तो तुम्हें होना चाहिए। मतलब 2-3 घंटा उसको बढ़िया से समझाते हैं, और वहीं वो उंगली माल जो है वो उनके जो है चरणों में गिर जाता है और उनका क्या हो जाता है, शिष्य बन जाता है। तो महात्मा बुद्ध के पास एक दिव्य शक्ति थी, वो जिसको उपदेश एक बार दे देते थे दोस्तों, वो मतलब उनकी बात, वो कहते थे ना कि मेरी बात कोई लोग मत मानो, वो कहते थे मैं जो भी कहता हूँ, जो भी उपदेश देता हूँ, खुद अपने अंदर रियलाइज करिए आप कि मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ। अगर आपको सही लगे तभी आप फॉलो करिए, अगर सही नहीं लग रहा है तो फॉलो मत करिए। तो बहुत बहुत सी कहानियाँ हैं दोस्तों महात्मा बुद्ध के बारे में। हमने क्या किया, एक छोटा सा जो है कोशिश किया कि महात्मा बुद्ध की जीवन शैली के बारे में आपको बता दूँ। इनका जो मृत्यु दोस्तों, अंत समय जो है वो कुशीनगर में बीतता है, कुशीनगर में जो है जा करके इनकी मृत्यु हो जाती है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में ये मैंने खाका बनाया है, इसको आप देख लीजिए कि जन्म 563 BC में होगा, स्थान लुम्बिनी नेपाल में, पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, प्रिय शिष्य जो थे इनके आनंद थे, ठीक है दोस्तों। तो आनंद जो है ना इनकी बहुत प्रिय शिष्य थे। अब आनंद की कहानी बताता हूं दोस्तों। आनंद ना हमेशा गाली देता रहता था महात्मा बुद्ध को, मतलब बहुत ही चंट टाइप है, जिसको बोलते हैं चंट टाइप। तो आनंद जो था वो हमेशा गाली देता था। तो एक दिन क्या कि ये उपदेश दे रहे थे स्टेज पे ही, तो आनंद को बुला लिए। अब आनंद आया, उससे बोले सर ठीक है तुम अब घर जाओ। तो आनंद क्या किया, गाली दिया कम से कम 1 घंटे तक, बोले और गाली दो, तो 1 घंटे और गाली दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा, मतलब इतने विद्वान थे, इनकी जो है तर्क शक्ति को देखिएगा, उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, मान लो मेरे पास ये मार्कर है या फिर कोई चीज़ है मेरे पास, और मैं ये तुमको दूं और तुम मना कर दो कि मुझे नहीं चाहिए, तो वो जो सामान होगा वो किसका होगा, मेरा ही। तो बोला कि हाँ भाई मेरा होगा, मैं किसी को सामान दूंगा और वो इनकार कर दे तो सामान मेरा ही होगा। तो वो बोले कि जितना तुम गाली दिए हो हमको नहीं चाहिए, तो किसका होगा। तो फिर बोला गुरुजी ये तो मेरा ही होगा। तो ऐसे में ना आनंद जो है उनसे बहुत प्रभावित हुआ और तभी से जो है उनका चेला बन गया, और आनंद जो है उनका प्रिय शिष्य था। आनंद की बात वो बहुत मानते थे, ठीक है। आनंद के ही कहने से पहले महिलाएं नहीं होती थी महात्मा बुद्ध में, तो आनंद के ही कहने से महिलाएं भी आईं। सबसे पहली महिला जो जुड़ी महात्मा बुद्ध में वो कौन थी, वो गौतमी थी, उनकी मौसी जी थी। उसके बाद दोस्तों अमरपाली नाम की एक डांसर थी, वो जो है जुड़ी। तो बहुत सारी कहानियां हैं, आप गूगल पे एक बार सर्च करेंगे कि महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय का, तो सारी कहानियां जो है मिलेंगी। बचपन में उन्होंने जो है जंगल में गए थे ये, तो एक हंस, ये 2 भाई थे, सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ नाम था इनका बचपन का, एक था देवदत्त। तो देवदत्त क्या किया, हंस को मार दिया। अब सिद्धार्थ जो है गए उसको बचाए, अब दोनों में लड़ाई होने लगी। वो बोलता था हंस मेरा है और सिद्धार्थ बोलते थे हंस मेरा, ये कहानी आप लोगों ने सुना होगा। तो फिर ये जाते हैं अपने पिताजी के पास, पिताजी उनके बोलते हैं कि भाई देवदत्त ने शिकार किया है तो हंस तो उसी का होना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ कहते हैं कि नहीं पिताजी, बचाने वाला का हक ज़्यादा होता है मारने वाले से, उन्होंने मारा है और हमने क्या किया है, हंस को बचाया है। तो उनके पिताजी क्या न्याय दिलाते हैं कि सही होता है कि जो बचाता है उसका हक ज़्यादा होता है और जो मारता है उसका हक कम होता है। तो बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों महात्मा बुद्ध के बारे में, आप पढ़ेंगे तो आपको एक अलग ही प्रकार की एनर्जी मिलेगी। तो हम यही कहेंगे दोस्तों कि गूगल पर एक बार ज़रूर सर्च करिए, महात्मा बुद्ध के पूरे जीवन परिचय को पढ़िए। मैंने जो है शॉर्टकट में आपको कोशिश किया कि महात्मा बुद्ध के बारे में समझा दूँ, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य में कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ थे,
कुछ किताबें लिखी गई महात्मा बुद्ध के शिष्यों के द्वारा, या फिर महात्मा बुद्ध के द्वारा कुछ चीज़ें लिखी गई जिसमें कुछ उनकी जीवन परिचय की बात की गई है, कुछ जो है उनके पूर्व जन्म की बात की गई है, जो कि लूसेंट में है। लूसेंट में आपको ये चीज़ें नहीं दी गई है, उनकी कविताएं, उनकी जो है जो कथा वस्तु है, जातक कथाएं हैं, ये सारी चीज़ें लूसेंट में दी गई है। तो ये तो आपका संक्षिप्त परिचय था महात्मा बुद्ध के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि लूसेंट में क्या क्या चीज़ मेंशन किया गया है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लूसेंट में क्या क्या चीज़ मेंशन है। हाँ तो दोस्तों, जो चीज़ लूसेंट में मेंशन है उसको जो है मैं आपको बता देता हूँ कि लूसेंट में क्या क्या बताया गया है। देखिए, जो बौद्ध साहित्य है दोस्तों, उसमें एक किताब लिखी गई है जातक। जातक क्या है? किताब है जिसमें कहानियाँ लिखी गई हैं। किसके बारे में दोस्तों? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ आपसे अगर पूछ दिया जाए किसमें लिखी गई हैं, तो जातक कथा है। क्या है दोस्तों? जातक कथा बोलते हैं इसको। जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी लिखी गई है, स्टोरी ऑफ प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों पूछा ही जाता है, कथा वस्तु और जातक। कथा वस्तु जो है दोस्तों नीचे आपको मिलेगा, कथा वस्तु में भगवान बुद्ध के जीवन परिचय लिखा गया है, जीवन के बारे में लिखा गया है, और उनकी जीवन के पूर्व जन्म की कहानियां किसमें लिखी गई हैं? जातक में। ये दोनों चीजें पूछी जाती है। और हीनायन का प्रमुख ग्रंथ है कौन सा? कथा वस्तु। ध्यान से पढ़ लीजिए। त्रिपिटक के बारे में चर्चा की गई है बौद्ध साहित्य में, जो है त्रिपिटक के बारे में बताया गया। तीन पिटक होते हैं दोस्तों, विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिदम्ब पिटक। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध साहित्य के पूछा जाएगा आपसे त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो आंसर देंगे आप बौद्ध साहित्य से संबंधित है। त्रिपिटक में कौन कौन सी जो है पिटक आते हैं? आपका विनय पिटक आएगा, सुक्त पिटक आएगा और अभिदम्ब पिटक आएगा। ये तीनों ध्यान रखना है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जातक कथा है उसमें क्या मिलता है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि बुद्ध जन्म के पूर्व की कहानियाँ किस कहानी का जो है संग्रह है, या किस जो है कथा में मिलता है, तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों? जातक कथा में मिलता है। त्रिपिटक के बारे में किस में बताया गया है? बौद्ध साहित्य में या बौद्ध धर्म में, विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिदम्ब पिटक। और हीनायन का प्रमुख ग्रंथ क्या है? वो दोस्तों कथा वस्तु है। कथा वस्तु में क्या बताया गया है? महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र बताया गया है, लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताया गया है। तो बौद्ध साहित्य के बारे में इतना ही मेंशन है लूसेंट में, जितना लूसेंट में मेंशन है दोस्तों मैं उतना ही करवा रहा हूँ, और भी एक्स्ट्रा मैं करवाऊंगा। जैसे ही लूसेंट की बुक खत्म होगी तो जो जो टॉपिक हमें इंपॉर्टेंट लगेगा उसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे। अभी मेरा टारगेट है दोस्तों कि कंप्लीट टारगेट लूसेंट बुक। तो जितना लूसेंट में लिखा गया है उतना ही पढ़ाएंगे, और लूसेंट का एक भी नहीं छोड़ना है, बस इतना आप लोग ध्यान रखिए। लूसेंट की एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक फैक्ट को अगर मैंने याद नहीं करा दिया दोस्तों, तो मतलब बहुत मेहनत करना हो इस तरह को बनाने के लिए। यहाँ जो है ग्राफ के मॉडल से, फ्लो चार्ट से, इस तरह से लूसेंट में डिकोड करना काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और भी लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये जो कंटेंट है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो इस कंटेंट को अधिक से अधिक शेयर करिए, सपोर्ट कीजिए। कल की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य को महावीर स्वामी ने जो है, उसके फाउंडर हैं, जो कि 24वें तीर्थकार थे। तो महावीर स्वामी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ, उनकी सारी कहानी पढ़ेंगे, और जैन साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि लूसेंट में मेंशन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो छोटी है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो का इंतजार करिए दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ कि एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ जो है लूसेंट से पकड़ के उसको डिकोड करके आपके पास जो है पहुंचाता रहूं। तो लूसेंट से भी आप मिलाते रहिए, सारी चीज़ें लूसेंट में लिखी गई हैं। हो सकता है एक पॉइंट इधर लिखा हो, दूसरा पॉइंट जो है कहीं और लिखा हो, लेकिन हमने एक दूसरे को क्या कर दिया, लिंक कर दिया है। लूसेंट से बाहर कुछ नहीं और लूसेंट के जो है अंदर कुछ छूटेगा नहीं, ये जो है हमारा टारगेट है। लूसेंट को कंप्लीट कवर करना है तो करना है किसी भी हाल में। मिलते हैं अगली वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, मोटिवेट होकर पढ़ते रहिए।